लखनऊ से आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी और गोंडवाना पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी का स्वागत किया और कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर दो पार्टियों ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इनके इस कदम से बीजेपी और मजबूत होगी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज आप सब लोगों के सम्मुख इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैं निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों ने काम किया है हमारे एजेंडे के साथ जुड़कर, वो हमारे विचार के आधार पर एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस संकल्प को उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से समर्थन को दोहराया। मैं इन पार्टियों के सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पदाधिकारियों का, दोनों के माननीय अध्यक्षों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर फतेहपुर से है, जहां पर झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के निचली गंगा नहर की है, जहां पर युवक का शव मिला है और पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 25 साल है। किसी धारदार हथियार से कत्ल किया गया। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। युवक काले रंग का शर्ट और नीले रंग की जींस पहने हुआ है। उसके दाहिने हाथ में केस नाम लिखा हुआ है, गुदना गुदाया हुआ है। शव को की पहचान अभी नहीं हो पा रही है, पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के निवारण हेतु SOG सर्विलांस थाना टीम लगी हुई है, CCTV कैमरे दिखवाए जा रहे हैं। शव की पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और संवैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। शाहजहांपुर में शारदा नहर किनारे पटरी पर अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। मृतक का नाम बागेश शर्मा है, जो मदानपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना पाकर थाना प्रभारी कटरा फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे तो सब पर निरीक्षण किया गया तो सब पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। देखने से प्रतीत हुआ कि जैसे व्यक्ति लेटा हुआ हो, उसकी चप्पल भी पास ही में रखी हुई थी और जमीन पर अंगूठा भी रखा हुआ था। सबको फिलहाल मोर्चरी पहुंचा दिया गया है और सबकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा में ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर श्रद्धालुओं को चालान का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी चालान का डर दिखाकर वसूली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी SP ट्रैफिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मिलीभगत से जगह जगह पर अवैध निजी पार्किंग चल रही है और साथ ही लोगों से वसूली की जा रही है।